बेटा नीट 2020 हो चुका है, आपने एग्जाम दे दिया है, एक बड़ी बैटल आपने जीत ली है और खुशी की बात यह है कि बायो जो है एनसीईआरटी से आई है। मैंने कई बार आपसे कहा कि एनसीईआरटी जो है स्वर्ग के रास्ते खोलती है। हाँ बेटा नीट 2020 हो चुका है, आपने एग्जाम दे दिया है, एक बड़ी मुझे बड़ी अपेक्षा है आपसे कि आपने बैटल जीत ली है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, जो आप भविष्य के डॉक्टर हैं, बस मतलब कुछ ही क्षण है जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में स्टेथोस्कोप के साथ एंट्री कर जाएंगे। नीट 2020 में ये जो एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में जो बायो आई है प्योर एनसीईआरटी से आई है और मैंने कई बार कहा है कि एनसीईआरटी जो है स्वर्ग के रास्ते खोलती है, मतलब अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बारे में कहा जाता है कि एनसीईआरटी का जो शतक लगा देता है बायो में उसके 90 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए देखे जाए जो आपने क्वेश्चन किए हैं, उस क्वेश्चन में अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट का कोई डाउट है, कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो सारे डाउट हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे टफ रहे, क्वेश्चन में कैसे लैंग्वेज में फंसे आप, कहाँ गलती किया आपने, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग बायो का देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायोरेसिस, मतलब ये चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना था कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जो डायोरेसिस को रोकता है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं कि डायोरेसिस माने क्या होता है, तो आप कहेंगे सर डायोरेसिस माने होता है एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन। बोलिए हाँ सर, ये जो क्वेश्चन है ये दो टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चन है, अगर आप समझे एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन, अगर आप देखें किसी भी व्यक्ति में अगर यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसको डायोरेसिस हो गई है। ये जो क्वेश्चन है ये एंडोक्राइनोलॉजी से है, एंडोक्राइनोलॉजी से अगर आप जब पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में जब पढ़ेंगे तो एडीएच और एड्रिनल ग्लैंड का जब कार्टेक्स पढ़ेंगे तो एल्डोस्टेरोन, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। जैसे आइए देखा जाए एक्सप्लेनेशन क्या है। पहला है कि डायोरेसिस कैसे रोका जाएगा, तो है डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स। जेजी सेल्स अगर आपको याद हो तो ये देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन था, ये पीसीटी है, ये देखिए लूपा फेले है और ये डीसीटी है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ऐसे ये डीसीटी है क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए सीधे काम की बात करते हैं। तो जेजी सेल्स कहाँ पे है, जेजी सेल्स अगर आपको आइडिया होगा ये अफरेंट आर्टेरियोल है जो शुद्ध ब्लड की सप्लाई ले जा रहा है, यहाँ कैपिलरी से बैक रहा है, फिर एफरेंट आर्टेरियोल है। इसी अफरेंट आर्टेरियोल में अगर आपको याद होगा ये जो अफरेंट आर्टेरियोल है, अगर आपको याद होगा तो एक अपराटस होता है जैसे जेजीए कहते हैं, जिसमें अफरेंट आर्टेरियोल प्लस डीसीटी का कनेक्शन होता है, अफरेंट आर्टेरियोल प्लस डीसीटी का कनेक्शन होता है, इस अपराटस को जेजीए कहते हैं और इसी की अफरेंट आर्टेरियल की मॉडिफाइड सेल्स को जेजी सेल्स कहा जाता है। तो जेजी सेल्स से यहाँ पे लिखा है कि डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ जेजी सेल्स बाय रेनिन बाय जेजी सेल्स। तो यहाँ पर आप ये समझे कि जब जो इनकमिंग ब्लड है, इस इनकमिंग ब्लड में जब सोडियम आयन का लेवल कम होता है, तो ये देखिए सोडियम आयन के कम होने से जेजी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, ये देखिए। तो ये जेजी सेल्स जब एक्टिव हो जाती हैं तो आपको ये समझना है कि ये जेजी सेल्स एक हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम रेनिन है। ये रेनिन क्या है, हार्मोन है। अगर ये आर ई डबल एन आई एन होता तो ये एंजाइम होता। ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है, अगर आप पढ़े हो तो एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है ब्लड के प्लाज्मा में। ये देखिए एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है ये ब्लड के प्लाज्मा में, ये एक्टिवेट कर देता है ब्लड के प्लाज्मा में, और ब्लड के प्लाज्मा के बाद एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है, अगर आपको पता हो तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है, ये बनता है लीवर में और लीवर बनता है, फिर ये देखिए एंजियोटेंसिन सेकेंड बनता है, अगर आपने पढ़ा होगा ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये फेफड़े में बनता है। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसका दो काम है। पहला काम है कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड के वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। दूसरा ये काम करता है एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स पे काम करता है, और एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स पे जाकर ये जो है एल्डोस्टेरोन निकलाता है। ये देखिए एल्डोस्टेरोन निकलाता है, ये एल्डोस्टेरोन जो है दो काम करता है। ये एल्डोस्टेरोन यहाँ पर डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे, बेटा
डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे दो चीजों का एब्जॉर्प्शन करता है, एक सोडियम आयन का और दूसरा वाटर का। ये देखिए, तो अगर आप देखें तो एल्डोस्टेरोन के दो फंक्शन हो गए, क्या क्या काम करता है, एक सोडियम आयन का और दूसरा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ये देखिए, सोडियम आयन का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो आप यहां पर चले आए, ये जो फंक्शन लिखा है वो एल्डोस्टेरोन का लिखा है और आंसर मैंने बताया आपको कि एल्डोस्टेरोन निकलता कैसे है। अगर आपने बायो पढ़ी है अच्छे से तो ये देखिए, इस सिस्टम को हम लोग रास कहते हैं, रास सिस्टम है ये। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो अभी एक तो ये हो गया कि अगर यहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा डीसीटी से तो वहां यूरिन कैसी बनेगी, कलेक्टिंग डक्ट पे आप बोलिए, यहां पर यूरिन कैसी बनेगी, यहां पर यूरिन जो है कंसंट्रेट बनेगी। तो आप बताइए डायोरेसिस मतलब क्या हुआ, अगर यहां वाटर पास कर जाता यहां हार्मोन ना निकलता तो यहां पर यूरिन ज्यादा बनती तो डायोरेसिस हो जाती, लेकिन इस एल्डोस्टेरोन ने यहां से सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब कराया इसलिए यहां यूरिन कैसी बनी, कंसंट्रेट बनी। जब यूरिन कंसंट्रेट बनी तो डायोरेसिस को क्या किया गया, रोका गया। यहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि पहला तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि डिक्रीज इन रेनिन लिखा है, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन, अगर रेनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ये सिस्टम भी स्लो हो जाएगा, तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत होता है, रेनिन का सिक्रीशन ज्यादा होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू, यहां पर देखिए ये गलत है, अंडर सिक्रीशन, ADH का कम सिक्रीशन होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तभी डायोरेसिस होगी, अगर यहां अंडर के बजाय हाइपर सिक्रीशन होता है तभी आंसर सही हो जाता, लेकिन यहां पर क्या लिखा है अंडर सिक्रीशन इसलिए गलत हो गया। कब सही होता है, जब हाइपर सिक्रीशन होता या नॉर्मल सिक्रीशन होता, लेकिन ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो आंसर है ये थर्ड सही है। इसलिए थर्ड सही है कि यहां पर सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और यूरिन जो होती है कंसंट्रेट हो रही है, यहां पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एल्डोस्टेरोन कर रहा है, एल्डोस्टेरोन कैसे करता है ये पूरा आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये आपको एनसीईआरटी में, ये प्योर एनसीईआरटी से है और आपको मिलेगा रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वाले चैप्टर में। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसका ये ऑप्शन सही है। चौथा क्यों गलत है कि एनएफ जो है ये हार्ट से निकलता है, अगर आपको पता है कि जो ईएनएफ है ये हार्ट से निकलता है और एनएफ जो होता है अगर आपको पता है तो ये देखिए बेटा, रास इज एंटागोनिस्टिक टू एनएफ, रास जो होता है वो एंटागोनिस्टिक टू एनएफ होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें उसमें देखें तो जो क्या कहते हैं रास है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये देखिए ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्टर करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन ये जो एनएफ है ये वैसोडायलेटर है, ये हार्ट से निकलता है, ये किसी भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन या उसके सिक्रीशन को प्रमोट ऐसा कुछ नहीं करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। सेकंड इसलिए गलत है, ज्यादातर लोगों ने ये गलत किया होगा, बस आपको यहाँ ध्यान ये देना था कि यहाँ पर ये अंडर सिक्रीशन लिखा है, अगर ये अंडर के बजाय हाइपर सिक्रीशन होता तब फिर हम सोचना शुरू होते, तो मतलब सोचते कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके यहाँ बायोटेक्नोलॉजी से है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं पूछा है। सबसे पहली गलती तो आदमी यही करेगा कि नॉट करेक्ट नहीं देखेगा। पहला लिखा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, दूसरा कमेंट है इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रोइंसुलिन, तीसरा है द प्रोइंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, और चौथा है द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें गलत ऑप्शन कौन सा ये पूछा गया है, अगर इसे क्लियर करना है तो आपको ये टॉपिक जो है ये आपको बायोटेक्नोलॉजी से मिल जाएगा, मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में है, डिक्टो एनसीईआरटी है। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए ये एनसीईआरटी में है, मेडिसिन जब आप उसका सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं मेडिसिन वाले में है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इंसुलिन जो है इसे इली लिली कंपनी ने बनाया था, एक कंपनी थी अमेरिकन कंपनी जिसे इली लिली कंपनी ने बनाया था। अगर आप इसका नॉर्मल सिंथेसिस देखें तो ये जो है बनती है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से ये इंसुलिन बनती है ह्यूमन में, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज से बनती है इंसुलिन, और फर्स्ट हार्मोन जिसे लैब में बनाया गया था। जब इसे बीटा सेल में बनाया जाता है तो आप इसकी हालत देखिए, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज में जब ये बनती है नॉर्मली तो इसको बनाने वाला पहला होता है जिसे जो जीन बनाता है वो ए चेन बनाता है, ये देखिए।
दूसरा इसके ए चेन के बाद एक दूसरी चेन होती है जिसे हम लोग सी चेन कहते हैं। ये देखिए इसमें सी चेन है ए, और तीसरी इसमें एक चेन और है जिसे हम लोग वी चेन कहते हैं। ये देखिए वी चेन। अब अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रो इंसुलिन कहते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बनती है तो वो प्रो इंसुलिन होती है या इनएक्टिव होती है। पहली बात तो आप ये समझ लें, प्रो इंसुलिन जो है उसके पास तीन चेन है, ए चेन है, बी चेन है और सी चेन है, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनती है डायरेक्ट इंसुलिन ना बनके पहले हमारी बॉडी में बनती है प्रो इंसुलिन, जिसके पास ए बी और सी तीनों चेन हैं, आपको ये समझना है। बाद में ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इंसुलिन में। तो प्रो इंसुलिन क्यों बनती है, प्रो इंसुलिन जो है इनएक्टिव होती है, मतलब वो काम नहीं कर सकती है, और बाद में ये इंसुलिन में एक्टिव हो जाती है। तो इंसुलिन जब एक्टिव हो जाती है, अगर आप एनसीईआरटी देखें, प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है और इंसुलिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। इस तरह से अगर आप इस फिगर को ऐसे देखें तो यहाँ पर लिखा है क्लीव कर दी जाती है, ये काम गॉल्गी बॉडी करता है बेटा। कौन करता है, गॉल्गी बॉडी करता है। और फिगर की स्थिति ये होती है, ये देखिए ये हमारी होती है ए चेन, आप ये समझ लें ये चेन है, ये ए चेन 21 अमीनो एसिड की बनी है। ये देखिए ये दूसरी चेन है जिसे हम लोग कहते हैं बी चेन, ये देखिए दूसरी चेन है जिसे बी चेन कहते हैं, ये 30 अमीनो एसिड की बनी है। और इन दोनों चेन के बीच में जो बॉन्ड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, मतलब यहां लिख सकते हैं आप कि इंसुलिन जो है, आप इसको ऐसे कंफर्म कर लें कि इंसुलिन जो है उसके पास 51 अमीनो एसिड है, 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है, लिख सकते हैं आप 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है, दो चेन्स हैं सामने दिख रहा है। और यहाँ पे यहाँ एक बात जरूर लिखें, बोथ चेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ज्वाइंट टुगेदर बाई कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों चेन्स के बीच में जो बॉन्ड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आप ये देखिए दोनों चेन्स के को जो जोड़ने वाला जो बॉन्ड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप प्लस लगा के इस चेन को निकाल सकते हैं, मतलब जब सी चेन इस इंसुलिन से निकल जाएगा, प्रो इंसुलिन से निकल जाएगा, तब इसे हम लोग इंसुलिन कहते हैं। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये इंसुलिन है। अब आप ये समझिए कि इंसुलिन बनाने के लिए तीन जीन जिम्मेदार है, ए बी सी, तीन जीन, तीनों मिलके प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, बाद में सी चेन इससे अलग हो जाती है और ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ता है। इस एलिली कंपनी ने बाद में स्टेराइड कोलाई के इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ए और बी जीन का इस्तेमाल करके इंसुलिन को बनाया था। और इसके ब्रांड का जो नाम रखा था, जब इसने इंसुलिन बनाया था तो उस ब्रांड का नाम इसने ह्यूमुलिन रखा था। अब आइए देखा जाए कमेंट कहाँ तक हमको सही करते हैं। पहला कमेंट देखिए, नॉट करेक्ट पूछा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन कोलाई, बिल्कुल सही है। ए और बी जीन को मिला के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ए चेन अलग बनाई, बी चेन अलग बनाई, बाद में दोनों को जोड़ दिया। सी चेन का इस्तेमाल इन लिली कंपनी ने नहीं किया था, मतलब पहला कमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इन मैन इंसुलिन सिंथेसाइज एज ए प्रो इंसुलिन, बिल्कुल कमेंट सही है। आप देखिए प्रो इंसुलिन में तीन चेन है, ए है, बी है और सी चेन है, तो इसलिए प्रो इंसुलिन है जो इनएक्टिव है, बाद में इंसुलिन में कन्वर्ट होती है। देखिए द प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, यहाँ पर सी पेप्टाइड प्रोटीन लिखा है, इसलिए भी कमेंट सही है। देखिए प्रो इंसुलिन के पास ए बी के साथ साथ सी चेन भी है, ये भी कमेंट सही है। चौथा कमेंट देखिए, यहाँ तक सही लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स, यहाँ तक कमेंट सही लिखा है। आप देखें फंक्शनल इंसुलिन के पास ए और बी चेन्स है, तो गलती क्या हुई, गलती दोस्त ये हुई, मैं यहाँ पर कमेंट लिख दूं लिंक टुगेदर बाई, ये गलत है, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मैं अगर आपसे पूछूं कौन सा बॉन्ड होना चाहिए तो आप कहेंगे सर आपने भी यहाँ लिखा है कि यहाँ कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसलिए ये कमेंट जो है गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अगर आप इसका आंसर लगा रहे हैं तो इसका आंसर 4 होगा। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर ये देखिए लिखा है, क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, अगर आप इसे माने तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में ये एवोल्यूशन टॉपिक से है, और एवोल्यूशन टॉपिक में अगर आप देखें तो ये टॉपिक जो है पीछे सप्लीमेंट्री में एनसीईआरटी में दिया गया है, मतलब आपको ये मानना है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं
तो जितनी भी पुरानी एनसीईआरटी उनके पीछे तीन कवर पेज लगे हुए हैं, आप ये बात जरूर समझें, पीछे तीन कवर पेज लगे हैं। अगर वो पुरानी एनसीईआरटी है उस पेज को उसने सप्लीमेंट्री लिखा है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सप्लीमेंट्री का है, मतलब पीछे से दिया हुआ है, नई एनसीईआरटी में इवोल्यूशन चैप्टर नहीं ऐड किया गया है। तो इवोल्यूशन चैप्टर में ये कह रहा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें, अगर आप मान लीजिए इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऑन्टोजिनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजिनी, ऑन्टोजिनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजिनी, ये देखिए ऑन्टोजिनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजिनी। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद हो तो इस कॉन्सेप्ट को हेकेल ने दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट है इसे दिया था किसने, हेकेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी एम्ब्रियो हैं अपने एवोल्यूशन के दौरान एंसेस्टर को रिपीट करते हैं, मतलब एंसेस्टर को फॉलो करते हैं, एंसेस्टर के करेक्टर को फॉलो करते हैं। लेकिन बाद में ये जो कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर हैं इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिसअप्रूव कर दिया था। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, डिसअप्रूव कर दिया था मतलब गलत कर दिया था, और ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें जो चार्ल्स डार्विन हैं, अल्फ्रेड वैलेस हैं, ये दोनों जो हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के साइंटिस्ट हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई थी उससे रिलेटेड है, तो इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये आपके लिए एक सेकेंड का क्वेश्चन था, आप देखते टिक लगा देते। ओपेनिन जो है इन्होंने केमिकल थियोरी दिया था, इसलिए भी ये भी जो है केमिकल थियोरी के एक्सप्लेनेशन दिया था ओपेनिन हॉल्डेन ने, इसलिए इनका भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड होगा। अगर आप इसका आंसर देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड होगा। इस कॉन्सेप्ट को डिसअप्रूव किया था किसने, कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर ने, इसलिए बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन को देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल। अगर आप इसका यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देखें तो यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसे ही होती है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, फिर ये देखिए न्यूक्लियस है, ये सबसे पहली बात आप ये समझें कि ये जो क्वेश्चन है ये सेल बायोलॉजी का है। सेल बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी है, मतलब आपको कहीं भी कुछ ढूंढना नहीं है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी रट लेना है, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन के फाइबर्स हैं, यहाँ पर देखें ये इस तरह से, ये देखें तो ये आपने अरेंजमेंट पढ़ा होगा केरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक, ऐसा आपने सीक्वेंस पढ़ा होगा कि देखिए भाई जहाँ पर न्यूक्लियर रफ, ये जहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, आपने ही पढ़ा हुआ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है, और ये रफ स्मूथ से जो प्रोटीन और लिपिड बनती है उसकी जो कटाई और छटाई होती है, मतलब कटिंग और उसकी क्लीविंग होती है, ये स्ट्रक्चर है जो गॉल्गी बॉडी करता है। ये देखिए तो गॉल्गी बॉडी वो साइट है, रफ से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, आप ऐसे देखेंगे स्मूथ से क्या बनती है, गॉल्गी बॉडी बनती है, और स्मूथ से जो है लिपिड बनती है, और उसकी कटाई करने के बाद ये गॉल्गी बॉडी इसकी कटाई छटाई करने के बाद ये देखिए इसको सेल के बाहर कर देती है। तो अगर आप आंसर देखते हैं तो पॉलीसोम्स क्या है, ये राइबोसोम्स अरेंज्ड ऑन एमआरएनए, राइबोसोम्स अरेंज्ड ऑन सिंगल थ्रेड ऑफ एमआरएनए, अगर ये होता अरेंज ऑन एमआरएनए थ्रेड, ये कोई चांस ही नहीं है, इससे अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ और प्रोटीन स्मूथ होती तो वो रफ होती तो क्या बनाती, प्रोटीन, स्मूथ होती लिपिड बनाती, इसलिए इसका भी चांस है ना, इसका भी चांस है। अब बचा पराक्सीसोम्स, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन पराक्साइड की मेटाबोलिज्म होती है, इसलिए ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें कोई चांस नहीं है। अब बचा हमारा गॉल्गी बॉडी, इसका करेक्ट आंसर गॉल्गी बॉडी है, मैं आंसर लिख देता हूँ कि इसका आंसर होगा 4। गॉल्गी बॉडी वो जगह है कि जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो गॉल्गी बॉडी की एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, यहीं पर एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, एनसीईआरटी ने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकेंड का है, ये क्वेश्चन मात्र 2 सेकेंड का है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आप सिर्फ आपने आंखियों के झरोखे से देखे होंगे, फट से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, मुझे विश्वास है आपने ऐसा कर दिया होगा, ये फिक्स है कि आप सेलेक्ट हो गए होंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें बायोटेक्नोलॉजी से,
क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको सही मैचिंग करानी है, तो आइए सही मैचिंग देखी जाए। आपने ये पढ़ा है कि ये जो वीटी है मतलब बैसिलस थुरिंजियंसिस है, ये जो है आगे चल के यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ जीएमओज आप समझते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनमें इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा इस बैसिलस थुरिंजियंसिस से एक प्लांट बनाया जाता है जिसे वीटी कॉटन कहते हैं। वीटी कॉटन जो है एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, और अगर आपको पता होगा तो इस वीटी कॉटन में आपने ढेर सारे पढ़ा है कि इस कॉटन के पौधे में पहले इन्फेक्शन होता था, फिर वीटी के जीन को इससे जब ऐड किया गया तो काफ़ी जो इन्फेक्शन थे वो सब खत्म हो गए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया। बाद में ये जो वीटी था, वीटी का फुल फॉर्म बैसिलस थुरिंजियंसिस है, इस पर जीन्स निकाल खोजे गए, और उन जीन्स के अगर आपको नाम याद हो तो ये देखिए, एक था क्राई सेकेंड ए बी, एक था क्राई फर्स्ट ए सी, और एक जीन था जिसे हम लोग कहते थे क्राई फर्स्ट ए बी। ये सारे पैथोजेंस को अटैक करते, मतलब ये जीन है जो वीटी में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैसिलस थुरिंजियंसिस क्राई प्रोटीन से मैच करता है, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो अगर आपको आंसर क्लियर करना है तो आप आंसर में लिखिए कि सर ए के सामने जो है फोर्थ है भाई, ये ए है, तो अगर आप इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ करते हैं, ए के सामने फोर्थ है। अब आइए थर्मस एक्वेटिकस की बात करते हैं। अगर आप थर्मस एक्वेटिकस की बात करते हैं तो ए भी एक बैक्टीरिया है, और आपने इसे पढ़ा हुआ है पीसीआर में। ये देखिए, इससे जो एंजाइम बनता है उस एंजाइम का नाम टैग पॉलीमरेज है। ये देखिए, ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, और अगर आपको पूछ रहा हूँ टैग कैसे बना, तो इससे यहाँ टी आता है, इससे यहाँ से ए क्यू आता है, और ये देखिए एंजाइम का नाम टैग पॉलीमरेज हो जाता है। ये एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, एक तरह का ये डीएनए पॉलीमरेज है, और आपको पता होगा किसका इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन पीसीआर। इसका इस्तेमाल क्या होता है, पीसीआर में। बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके एंजाइम का इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो टैग पॉलीमरेज है ये थर्मोस्टेबल है, थर्मोस्टेबल होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पीसीआर जो होता है इसमें तीन प्रोसेस है। अगर आपको पता है तो पहला प्रोसेस है जो है डीनेचुरेशन, ये पहला स्टेप होता है पीसीआर का। पीसीआर का डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस में होता है। दूसरा होता है एनीलिंग, इसकी दूसरी प्रोसेस है एनीलिंग, ये जो है 54 डिग्री सेल्सियस में होती है, 54 डिग्री सेल्सियस में। तीसरा होता है जिसे कहते हैं एक्सटेंशन, ये जो प्रोसेस है ये 72 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और इसी एक्सटेंशन वाली प्रोसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैग पॉलीमरेज का। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें मिलाना हो तो टैग पॉलीमरेज मैच करता है डीएनए पॉलीमरेज से। बोलिए हाँ, अब बचा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस। तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस का अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो ये देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस ये क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स है। ये देखिए, ये क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स है बेटा, क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। आप इन सीआरटी में देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर लिखा हुआ है। डाइकॉट प्लांट्स से बड़े आसानी से इंटर कर जाता है, और ये ऑन्कोजींस इसके पास होते हैं। टीआई प्लाज्मिड होता है, कौन सा प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है, पौधों में इससे कैंसर होता है। ये देखिए, इसलिए ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस है ये क्लोनिंग वेक्टर होगा। इसलिए ऑप्शन आप देखें, बी का क्या होगा, बी का थर्ड होगा, ऐसे मिला सकते हैं। सी का क्या होगा, सी का फर्स्ट होगा। अब बचा डी, तो डी का क्या होगा, ये देखिए एनसीईआरटी, एग्जैक्ट एनसीईआरटी है, डी का क्या होगा, सेकंड होगा। अगर आपको पता होगा तो वो जो हर्बर्ट बॉयर हैं, यहाँ पर देख लें चौथे ऑप्शन का, हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो सेल्मोनेला टाइफियम पे बनाया था। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया था सेल्मोनेला टाइफियम पे बनाया था, इसे टाइफाइड होता है, और यही से इसी बैक्टीरिया में उन्होंने सबसे पहले एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ऐड किया था। इसलिए आप ऑप्शन देख लें, बैसिलस थुरिंजियंसिस क्राई प्रोटीन से जुड़ेगा, थर्मस एक्वेटिकस एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है जो पीसीआर में एक्सटेंशन में काम आता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस प्लांट्स पर क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है, सेल्मोनेला टाइफियम
पहला ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें हर्बर्ट कोहेन और बेयर ने इसमें सबसे पहले सेल्मोनेला टाइफियम के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ा था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, मैच कर दिया है, पूरी ओवरऑल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी को इसमें लिया गया है। अगर आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी आती रही होगी तो आपने क्वेश्चन बनाया होगा। आइए ये क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला ये है आपके यहाँ, ये जो है टाइप एनिमल्स जो पढ़ा जाता है उसमें आपको पता होगा कि आप काकरोच ही पढ़ना पड़ता है मेनली, तो ये काकरोच का है। और अगर आप कोई आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं जिनको क्लियर करना है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो पहला लिखा है इन्होंने कि अगर काकरोच है और आपने उसके अगर सिर को कट कर दिया तो वो कुछ दिन तक जिंदा क्यों रहता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपने काकरोच के सिर को कट कर दिया तो काकरोच कुछ दिन जिंदा क्यों रहता है। तो काकरोच किस फाइलम का है, काकरोच है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल है तो वो इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट का जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड में होता है, उनका डिसेक्शन डॉर्सल साइड में होता है। हम वर्टिब्रेट से हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में होता है, हमारा डिसेक्शन वेंट्रल साइड से होता है। तो आप देखिए काकरोच को अगर हम उसका सिर काट दें तो हफ्ते भर या कुछ दिन जिंदा क्यों रहता है। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन है, पहला है हेड होल्ड्स 1/3 पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हिच इज द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डॉर्सल पार्ट ऑफ बॉडी। यहाँ देखिए लिखा है डॉर्सल पार्ट ऑफ बॉडी, नर्वस सिस्टम यहाँ लिखा है डॉर्सल पार्ट ऑफ बॉडी। तो पहली बात ये क्वेश्चन बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है, ये लिखा ही नहीं एनसीईआरटी में और ये गलत भी है। डॉर्सल साइड में डॉर्सल पार्ट में कुछ नहीं होगा। फिर देखिए द सुप्रासुफेशियल गैंग्लियन ऑफ काकरोच आर सिचुएटेड ऑन वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो यहाँ पर वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन गलत है, ये बिल्कुल गलत कमेंट है, ये भी सही नहीं है। काकरोच के पास नर्वस सिस्टम नहीं, चांस ही नहीं है। फाइलम पॉरीफेरा फाइलम सिलेंटेटा से नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है। अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें जो चौथा ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। ऐसा इसलिए है कि द हेड होल्ड्स ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। और अगर आप देखेंगे तो काकरोच का जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आपने काकरोच पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखें एंजाइम इंट्रोकाइनेज, तो इंट्रोकाइनेज के बारे में पहले आप देखें कि जो इंट्रोकाइनेज है इसकी क्या खास बात है। ये अगर आप एनसीईआरटी हैं, अगर आप इंट्रोकाइनेज देखते हैं तो ये इंट्रोकाइनेज कोई एंजाइम नहीं है, ये इंटेस्टाइनल जूस में निकलता है और ये इंटेस्टाइनल वॉल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अगर आपको लिखना होगा तो आप कहेंगे सर ये इंटेस्टाइनल वॉल से निकलता है, ये कोई जूस पे एंजाइम जिम्मेदार नहीं है। और ये इंटेस्टाइनल वॉल से निकलने हुआ एंजाइम इंट्रोकाइनेज मेन काम ये करता है कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अगर आप एनसीईआरटी एक्सपर्ट हैं, आपने कभी पढ़ा है, तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये इंटेस्टाइनल जूस में होता है, ये इनएक्टिव होता है और इस ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए इस इंट्रोकाइनेज का सिक्रीशन इंटेस्टाइनल वॉल करते हैं। और बचे हुए देख लीजिए पेप्सिनोजन को पेप्सिन में जो कन्वर्ट करता है, ये देखिए पेप्सिनोजन को जो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, मगर आपसे पूछे कौन करता है तो आप कहेंगे सर ये तो एससीएल है, स्टमक की बात हो रही है। तो ये वाला प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स, अगर आप प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर रहे हैं, सिंपल सा सोचिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में कौन ब्रेक करेगा। अगर ऐसा होता है तो एंजाइम को कुछ कहीं काम है, सीधे प्रोटीएज लिखेंगे। ये देखिए प्रोटीएज, ये वाला करेक्ट आंसर है। बचा ये कैसीन का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप केसिन का कॉन्सेप्ट होगा तो आपने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो एक एंजाइम है जिसका नाम रेनिन है। ये देखिए ये रेनिन क्या है, एंजाइम है, ये हमारे स्टमक से निकलता है। और ये रेनिन क्या करता है, ये हमारे केसिन, केसिन क्या है, केसिन जो है मिल्क प्रोटीन है। क्या है बेटा, मिल्क प्रोटीन है। आपने पढ़ा होगा कि इस केसिन को ये कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, इसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहा जाता है, पैरसिम कैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। अगर आपको मैं बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो आप पढ़ रहे हैं अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा चैप्टर कौन सा है, डाइजेशन। डाइजेशन चैप्टर में एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट एनसीईआरटी से हैं। और अगर आप एनसीईआरटी आपने 100 बार पढ़ी होगी तो आपसे क्वेश्चन भाग के नहीं गया होगा, ये एनकेटी का दावा है।
ये ईयर का क्वेश्चन है, ईयर का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ लिखा है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, कॉकलिया, स्टेचिंग ट्यूब, स्टेप्स। यहाँ पे है कनेक्ट मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स, क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लैरिंग्स और अटैच टू ओवल विंडो, लोकेटेड ऑन द वेसिलर मेम्ब्रेन। ये चार इधर हैं, चार इधर हैं। ये ईयर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी से है, मतलब कोई भी क्वेश्चन इसमें इवन लाइन भी एनसीईआरटी से है। आइए देखा जाए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। बट जब आपने ईयर पढ़ा है, मतलब आपने जब को कान आपके सर ने पढ़ाया होगा, तो इसका एक और एक्सप्लेनेशन आप देखते हैं। तो ईयर में आप ऐसे पढ़ते हैं कि ये देखिए सर, ये जो कान है जिसको गुरुजी पकड़ के हमारे पकड़ के एनर्जी बढ़ाते हैं, आपको याद हो ना, एक्सीलेटर है ये, पकड़ पकड़ के घुमाते रहते हैं। तो ये कान ऐसे बाहर से क्वाइल्ड है, ये देखिए, ये कान है जो बाहर से ऐसे क्वाइल्ड है, मतलब इस तरह से बना हुआ है। अगर आपको पता होगा इसे हेलिक्स कहते हैं, कॉन्का कहते हैं, अभी बाद में कभी जब पढ़ेंगे देखा जाएगा। पहले पिया ये फिलहाल आप ये काम क्लियर करिए, ये देखिए इस तरह से ये कान है। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ईयर पिन्ना कहते हैं। अगर आपको पता है ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये देखिए। ये यहाँ पर आगे चल के इस तरह से यहाँ पर एक विंडो है, मतलब एक ओपनिंग है जिसे हम लोग एक तरह का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर यहाँ से तीन बोन्स पड़ी हुई हैं, ऐसे देखिए। ये पहली बोन है जिसे हम लोग मैलियस कहते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, पहली बोन है जिसे हम लोग मैलियस कहते हैं। दूसरी बोन है इसमें जिसे हम लोग इंकस कहते हैं। तीसरी बोन है जिसे हम लोग स्टेप्स कहते हैं, ये देखिए। इन तीनों को हम लोग एक साथ मिस कहते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर आपको याद हो तो ये जहाँ तक मैलियर, अगर आप यहाँ तक देखें, विंडो तक देखें, तो इस ईयर को हम लोग एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, इस ईयर को हम लोग एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। जहाँ तक ये बोन्स हैं उस ईयर को हम लोग मिडिल ईयर कहते हैं, मिडिल ईयर कहते हैं, ये देखिए मिडिल ईयर कहते हैं। और फिर इसके बाद ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए ऐसे बाहर आते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ पर दो आपको खास तरह के विंडो मिलते हैं, ये देखिए। ये अगर इन विंडोज के आप नाम लिखें तो ऊपर वाले का नाम है फिनेस्ट्रा ओवैलिस, अगर आपको नाम लिखना है तो आप लिखें, इसका नाम है फिनेस्ट्रा ओवैलिस, फिनेस्ट्रा ओवैलिस, या इसी को हम लोग ओवल विंडो कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो स्टेप्स है ये फिनेस्ट्रा ओवैलिस से ही जुड़ती है। फिनेस्ट्रा ओवैलिस का दूसरा नाम क्या है, अगर आप इसका नाम देखें तो इसका नाम फिनेस्ट्रा ओवैलिस का दूसरा नाम, फिनेस्ट्रा ओवैलिस का पूरा नाम ओवल विंडो है। तो अगर आप देखिए तो स्टेप्स किससे जुड़ी है, फिनेस्ट्रा ओवैलिस से। स्टेप्स यहाँ पे है, सबसे छोटी बोन है, और आपको इसको कनेक्ट करना है अटैच टू, ये देखिए, ओवल विंडो। ओवल विंडो का पूरा नाम यहाँ पर क्या है, फिनेस्ट्रा ओवैलिस है, ये जो जगह है इसका नाम फिनेस्ट्रा ओवैलिस है। नीचे वाले का नाम फिनेस्ट्रा रोटेंडस है। इसके बाद हमारा इंटरनल ईयर शुरू होता है। ये इंटरनल ईयर ऐसे आगे चल के हल्का से राउंड कर जाता है। फिर ये देखिए एक दो तीन, ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल बन जाती हैं। यहाँ नीचे की तरफ से अगर आप देखें तो ये ऐसे आके यहाँ पर ऐसे राउंड कर जाता है। ये जो राउंड कर जाता है इस कान के इस पूरे इंटरनल ईयर को हम लोग लेबिरिंथ कहते हैं। अगर आपको पता हो इस पूरे इंटरनल ईयर को हम लोग लेबिरिंथ कहते हैं। इसके ऊपर ये बोनी पार्ट है, टेम्पोरल बोन है, ये यहाँ पर टेम्पोरल बोन है। इस स्ट्रक्चर को जो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉकलिया कहते हैं। और ये क्या है, इन स्ट्रक्चर को हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपके दिमाग में एक बार बस रिवीजन हो जाए बस, किसी तरह से सेमी सर्कुलर कैनाल है। इसके अंदर आपको पता होगा यहाँ पर लिम्फ भरा होता है, तो वो एरिया जो अंदर भरा हुआ है इसे हम लोग मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहते हैं। ये बाहर वाला एरिया है जिसे हम लोग बोनी लेबिरिंथ कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है कार्टिलेजिनस मिडिल ईयर से, जिसको हम लोग स्टेचिंग ट्यूब कहते हैं। ये देखिए ये स्टेचिंग ट्यूब है, ये स्टेचिंग ट्यूब है। तो अगर आप देखें स्टेचिंग ट्यूब कहाँ खुलती है, मिडिल ईयर से होते हुए ये स्टेचिंग ट्यूब चली जाती है फेरिंग्स पे। इसीलिए जब आपके कान में कोई तेजी से बोलता है, ये देखिए साउंड ऐसे आती है, तो ये साउंड निकल के इस मिडिल ईयर से आपके फेरिंग्स होते हुए फिर से माउथ में आ जाती है। इसीलिए जब आपको कोई तेजी से बोलता है तो आपका मुंह फट से खुल जाता है कान में।
तो मिडिल ईयर कहाँ जुड़ रही है? अब आप देखिए इसमें हम लोग स्ट्रेचिंग ट्यूब को देखें, ये हमारा स्ट्रेचिंग ट्यूब है, ये यहाँ पे कार्टिलेज का है और इसका काम है कनेक्ट मिडिल ईयर टू फेरिंग्स, ये दूसरा आंसर हो गया। फेरिंग्स भी खोलता है, एक्स्ट्रा साउंड को बाहर करता है, हमारा जो कान है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है, उससे बाहर की जो आवाज है उसको ये जो है बाहर ले जाता है अगर इससे ज्यादा आवाज है तो। अब आते हैं कॉकलिया का, तो अगर आप कॉकलिया देखें तो ये कॉकलिया ये वाला स्ट्रक्चर है, इसकी जो क्वाइली है 2x2:3/4 है, ये लेबरिंथ का जो है क्वाइल्ड पार्ट है, तो आपको आप ढूंढना है क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लेबरिंथ। ये बचा क्या, आर्गन ऑफ कार्टी मिला दीजिए, आंसर लिखिए। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए का जो है क्या होगा, फोर्थ होगा, बी का क्या होगा, बी ए है, बी का सेकंड होगा, सी का लिखिए, सी का क्या होगा, फर्स्ट होगा, और डी का क्या होगा अगर आप लिखना हो तो डी का थर्ड होगा। ये इसका है करेक्ट आंसर, आप मिला लीजिए, यही आंसर है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है। ये देखिए आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको इंसुलिन के फंक्शन में मिल जाएगा, मतलब जब आप इंसुलिन का फंक्शन पढ़ते हैं, मतलब जब आप पैंक्रियास पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही इनसे लाइन मिलेंगी। अब आप इसका मतलब समझें, उन्होंने पूछा है कि डायबिटीज मेलाइटस किस कंडीशन में हम कहेंगे, जब यूरिन में मतलब क्या क्या आ जाए कि हम डायबिटीज मेलाइटस कह दें। तो पहला है रीनल कैलकुलाई, तो अगर आप इसका रीनल कैलकुलाई मतलब समझिए, तो रीनल कैलकुलाई जो शब्द है ये मेनली किडनी स्टोन के लिए लगाया जाता है। रीनल कैलकुलाई ये मेनली बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये किडनी स्टोन शब्द में अक्सर लगाया जाता है, मतलब अगर किडनी स्टोन्स हो रहे हैं ये आपको स्क्रीटी सिस्टम में मिल जाएगा, स्क्रीटी सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो अगर रीनल कैलकुलाई आ रही है तो किडनी स्टोन जो है एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए रीनल कैलकुलाई है तो बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है। यूरिन में अगर रीनल कैलकुलाई कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है तो इसका मतलब उसको व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो यूरिन में, ये हाइपरग्लाइसीमिया हमेशा सब लगाते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो, तो ये गलत हो गया। यहाँ यूरिमिया लिखा है, तो अगर आप यूरिमिया माने समझें कि यूरिमिया माने क्या होता है, तो एक्सेस यूरिया इन यूरिन, अगर एक्सेस यूरिया इन यूरिन है, यूरिया इन यूरिन है, तब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को यूरिमिया हो गई है। डायबिटीज में किसी को यूरिन में ज़्यादा यूरिया नहीं आती है, इसलिए गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है इसमें। कीटोन्यूरिया की बात कर लेते हैं, अगर आप कीटोन्यूरिया की बात कर लें, कीटोन्यूरिया की बात करें तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन बशर्ते जोड़ा नहीं सही है। कीटोन्यूरिया का मतलब ये हुआ, अगर आप समझें कीटोन बॉडीज इन यूरिन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज आ रही हैं तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कीटोन्यूरिया कहते हैं। कौन कौन सी यूरिन बॉडी कीटोन बॉडीज हैं, पहला एसीटोन है, ये देखिए, दूसरा एसीटो एसिटिक एसिड है, एसीटो एसिटिक एसिड है, और तीसरा अल्फा हाइड्रॉक्सीब्यूट्रेट है। अगर ये यूरिन में आ रही हैं तो हम मानेंगे कि डायबिटीज़ है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर यूरिमिया के साथ कीटोन्यूरिया डायबिटीज़ में नहीं होगा, अगर यहाँ की जगह कुछ और लिखा होता तो विचार करते, ये सही है लेकिन जोड़ा नहीं सही है। यहाँ देखिए यूरिमिया और रीनल कैलकुलाई बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। अब आप यहाँ देखिए कीटोन्यूरिया लिखा है एंड ग्लाइकोसूरिया लिखा है, इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। ग्लाइकोसूरिया माने ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को ग्लाइकोसूरिया है, और यूरिन जो है स्वीट टेस्ट की है, स्वीट टेस्ट इन यूरिन है, यूरिन में जो स्वीट टेस्ट है उसका कारण उसमें ग्लूकोज है। और कीटोन बॉडीज क्यों आ रही हैं, क्योंकि फैट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, कीटोन बॉडीज इसलिए आ रही हैं, ये कीटोन्यूरिया कंडीशन इसलिए है क्योंकि फैट का इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर फोर होगा, आंसर फोर होगा। आप एनसीईआरटी देखेंगे करेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो कीटोन्यूरिया के साथ जब ग्लाइकोसूरिया होगी तो डायबिटीज हो जाएगी, और इसमें ध्यान रखें डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी, अगर ये इंसिपिडस होती तो ये भी ना रहता, तब यहाँ पर नो ग्लाइकोसूरिया होती, अगर इंसिपिडस पूछता एडीएच की कमी से अगर ऐसा होता तो। दूसरा देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल विथ प्रेस बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, आप इसे अगर आप इसका सीधा आंसर देखना चाहते हैं, जब आप स्क्रीटी सिस्टम देखते हैं,
ये देखिए, ये जो क्वेश्चन स्क्रिटी सिस्टम का है, ये भी एग्जैक्ट इन सीआरटी का है। तो स्क्रिटी सिस्टम में जब आप देखते हैं, इस नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये देखिए आपने नेफ्रॉन ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम आपको इसकी कुछ कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। ये देखिए, इस नेफ्रॉन को आपने पढ़ रखा है, इस जगह को हम लोग पीसीटी कहते हैं। पीसीटी इसलिए कहते हैं, इसका पूरा नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। मैंने शॉर्ट लिख दिया है, एनसीईआरटी ने प्रॉक्सिमल, आपके क्वेश्चन ने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पूरा लिखा है। तो जो यहाँ पर फिल्ट्रेट आता है, जो यहाँ पर फिल्ट्रेट आता है, ये अफरेंट आर्टेरियोल और ये ग्लोमेरुलस और ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो यहाँ पर फिल्ट्रेट आता है, उस फिल्ट्रेट का अगर आप पीसीटी की यहाँ की जो सेल्स हैं, उन सेल्स का स्ट्रक्चर देखें, तो आपको ये सेल्स कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ये इनमें ऐसे आपको ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये देखिए इनमें न्यूक्लियस है और रिच नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। आपने लिखा है ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स है, इनका पूरा नाम ही है ब्रस्ट बॉर्डर। ब्रस्ट बॉर्डर, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ब्रस्ट बॉर्डर क्यों लिखा है, भैया सुबह आप ब्रश करते हैं, ब्रश करते हो ना, टूथपेस्ट दांत करते हैं, तो उसका जो ब्रश जैसा बॉर्डर है, जो आप आंगली से रगड़ते हैं, ऐसे इसके बॉर्डर दिखाई पड़ते हैं। फायदा क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया इसका बढ़ेगा घटेगा? आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो ये दो काम करेगी, एक तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन करेगी, एक क्या करेगी, ट्यूबुलर सिक्रीशन करेगी, ट्यूब चीज़ों को सिक्रीट करेगी, और दूसरा जो है रीअब्जॉर्प्शन करेगी। आपको पता होगा इसी कारण से इसमें जो है रीअब्जॉर्प्शन भी दो तरह करेगी, एक पैसिव करेगी, आप अगर देखिए पीसीटी भी दो तरफ होता है, और दूसरा एक्टिव करेगी। और इसका कारण यह है, रीअब्जॉर्प्शन जो करेगी ये, आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिएगा, 80-85% फिल्ट्रेट करती है, क्योंकि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है यहाँ पर देखिए, इसलिए इसके पास हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो पीसीटी की सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा है। बेटा अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर पोटेशियम आयन का 85-90% रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये देखिए, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, फ्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, एनसीईआरटी में ला लीजिएगा, यही लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ मैचिंग करनी कॉलम की माइक्रोस्ट्रेन हिमवेल वेलफेयर का क्वेश्चन है। एक तरफ लिखा है क्लॉस्ट्रिडियम बॉटरिनम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फर्मा, मोनस्कस परपुरियस और एस्पर्जिलस नाइजर, साइक्लिस्पोरिन, ये ब्यूटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो यहाँ पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो स्टेटिन की बात कर रहा है। ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछले साल रिवाइज है, पिछले साल भी ये पूछा गया था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। तो आप दिमाग में रखें कि ऐसे प्रश्न मिले जुले प्रश्न है, ऐसे नहीं कह सकते सेम क्वेश्चन आया लेकिन घुमा फिरा के वही आया है। अगर आप देखें तो इसमें पहला जो है ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ये जो है एक फंगस है, सॉरी क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम है, इससे सिट्रिक एसिड बनता है, मतलब इससे सिट्रिक एसिड रिलीज होता है। अगर आपको पता है, आपने एंजाइम्स वाला जो इसका टॉपिक है, मतलब सेकंड पेज पे माइक्रोसाइन एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला, उसमें दिया हुआ है। दूसरा देखिए, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फर्मम की अगर बात करें तो ये फंगस है, ये देखिए ये ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फर्मम है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फर्मम है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फर्मम के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये रिलीज करता है क्या, इस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फर्मम से साइक्लोस्पोरिन ए निकलता है, साइक्लोस्पोरिन ए निकलता है। और अगर आपको पता होगा तो ये इम्यूनो सप्रेशेंट है, मतलब वो व्यक्ति जिसको जो है आर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है उसकी बॉडी में इसका इंजेक्शन दिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेशेंट है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। सबसे पहले आप समझ लें ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया भी जाता है, ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। ये देखिए, इसके बाद जो तीसरा है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, उसकी बात कर लें। अगर हम लोग बात करें मोनस्कस परपुरिया की बात करें, मोनस्कस परपुरियस की, ये भी एक फंगस है, और इससे जो निकलता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल उसका नाम स्टेटिन है, स्टेटिन है, ये भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये दोनों बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं। और ये स्टेटिन जो है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को गिरा देता है, बाय कम्पिटिटिव इनहिबिशन,
ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एग्जैक्ट एनसीईआरटी पढ़नी है। पिछले साल भी ये क्वेश्चन ऐसे ही मिला जुला क्वेश्चन आया था, इस बार भी ये आया गया है। बाई कम्पिटेटिव इनहिबिशन बच्चा क्या, एस्परजिला स्नाइजर, ये फंगस है। ये एस्परजिला स्नाइजर क्या है, फंगस है। ये देखिए एस्परजिला स्नाइजर है, ये फंगस है, और इससे जो निकलता है एस्परजिला स्नाइजर से ये निकलता है ब्यूट्रिक एसिड। ये देखिए ब्यूट्रिक एसिड मिला दीजिए, मिलाइए। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटलम से सिट्रिक एसिड निकलता है। अगर आपको आंसर लिखना है तो यहाँ पर ए का हो गया सेकेंड, सॉरी थर्ड, पहला हो गया ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन, तो बी के लिखिए फर्स्ट। मोलस्कस परपुरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट है, सी के लिखिए फोर्थ। एस्परजिला स्नाइजर लिखिए ब्यूट्रिक एसिड निकलता है, डी के निकलिए सेकेंड। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, आइए ये क्वेश्चन देखे जाए। ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मेरे टीचिंग करियर में इससे सरल क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। जब आप डीएनए पढ़ते हैं, डीएनए ऐसे पढ़ते हैं कि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसे तो क्लास सिक्स का बच्चा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है इससे सरल क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो डीएनए जो है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो डीएनए में चार तरह के नाइट्रोजन बेस पड़े होते हैं। नाइट्रोजन बेस चार तरह के हैं, नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप दो हैं, टाइप चार हैं। तो ये देखिए नाइट्रोजनस बेस जो हैं दो तरह के हैं, एक उस पर प्यूरिन होता है, प्यूरिन में हम लोग आग लगाते हैं, इसमें एक तो एडिनिन होती है ये देखिए, और दूसरा ग्वानिन होता है। ये तो नाइट्रोजन के बेस हैं प्यूरिन में, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका दूसरा ग्रुप देखें तो इसमें नाइट्रोजनस बेस में दूसरा ग्रुप है जिसे हम लोग पिरिमिडीन कहते हैं। अगर आप पिरिमिडीन देख रहे हैं तो इसमें दो होते हैं, एक साइटोसिन होती है, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी होती है थायमिन। इस तरह से आप देखें तो नाइट्रोजन के ये चार बेस हैं डीएनए में। अब अगर आप देखें तो डीएनए में जो आप ये लाइन ऐसे खींचते हैं, ये सब ये नाइट्रोजन के बेस हैं जो शो कर रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन के बेस चार तरह से अरेंज हैं, ए डबल बॉन्ड टी, डी डबल बॉन्ड ए, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये चार तरीके हैं जिनके द्वारा ये जुड़ा रहता है। अब अगर मैं पूछूं ए टी से किस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ये जो डबल ट्रिपल देख रहे हैं ये सारे के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो अगर आप देखिए एडिनिन से थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, और साइटोसिन से ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए एडिनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडिनिन थायमिन से जुड़ता है। एडिनिन पेयर्स विद थायमिन ग्रुप विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। या देखिए एडिनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, डीएनए कहीं सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। एडिनिन पेयर विद थायमिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल गलत है, ये साइटोसिन से ग्वानिन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस तरह से अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर दो होगा। यहाँ पर देखिए ये बायोमॉलिक्यूल का आंसर है, बायोमॉलिक्यूल का ये क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल का ये क्वेश्चन है, और इसमें तो बिना कुछ कहने होंगे। अगर आप देखिए तो साफ साफ लिखा है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, साफ साफ मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स पे देखेंगे तो एनसीईआरटी की ये लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है ये एनसीईआरटी की। तो ये दोनों क्वेश्चन दो दो सेकेंड के क्वेश्चन है, मतलब आप आंसर देख क्वेश्चन देख के सिर्फ टिक करना था, आपका टाइम बचना था तभी आप ये कर पाते। पूरी बायो आपको 30 मिनट में करनी चाहिए थी। आइए और क्वेश्चन देखते हैं।